हेलो एवरीवन, टुडे स्टार्ट फिजिक्स चैप्टर वाइज सेशन। सो गाइस, डेली क्लास अटेंड करें एंड चैनल को ज्वाइन जरूर करें। मैं वन चैप्टर का टू वीडियो अपलोड करूंगी डेली। आज का चैप्टर मेरा है मेजरमेंट एंड डायमेंशन। ओके, तो चलिए क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ हिज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड लैम्डा इज वेव लेंथ एच अपन लैम्डा हैज डायमेंशन ऑफ। तो हमें पता है कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपन एम वी। ओके, एम वी में पता है कि लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी होता है। एच हमारा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, तो इसमें क्वेश्चन में बोला है इफ हिज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड लैम्डा इज वेवलेंथ, तो एच अपान लैम्डा है डायमेंशन ऑफ। एच अपान लैम्डा किसका डायमेंशन होगा, एच अपान लैम्डा किसका डायमेंशन होगा, एम वी का। एम वी क्या है हमारा, मोमेंटम। ओके, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है, फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द फिजिकल क्वान्टिटी विच डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन एज द अदर थ्री इज, फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन एज द अदर थ्री इज। इसमें तीनों में तीन तो सेम है डायमेंशन एंड एक डिफरेंट है, तो उसको डिफरेंट को हमें ढूंढना है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है स्प्रिंग कांस्टेंट, बी हमारा सरफेस टेंशन, सी है सरफेस एनर्जी, डी है एक्सेलरेशन, टू टू ग्रेविटी। तो इसका राइट आंसर मेरा है, राइट आंसर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे, देखिए इसका इसका हम स्प्रिंग कांस्टेंट का पता है हमें क्या होता है, इसका डायमेंशन एम टी माइनस टू। ओके, सरफेस टेंशन का भी एम टी माइनस टू होता है एंड सरफेस एनर्जी का भी एम टी माइनस टू होता है। ओके, लेकिन इसका हमारा जो ये डी ऑप्शन हमारा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका एल टी माइनस टू होता है। तो ये इसका फिजिकल क्वांटिटी तीनों सेम है एंड ये डिफरेंट है। ओके, तो फोर्थ हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, एक मिनट, ये टू जो फिजिकल क्वांटिटी जो सेम डायमेंशन के हैं उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा कि कौन कौन से डायमेंशन सेम होते हैं, कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन सेम होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है थर्ड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस इज गिवन बाय वी इक्वल टू अंडर रूट गामा पी अपान रो, डायमेंशन फार्मूला फॉर गामा इज। इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, पी इक्वल टू गामा पी अपान रो दिया गया है ना, तो गामा इक्वल टू, पहले गामा इक्वल टू निकाल लेते हैं, गामा इक्वल टू होगा हमारा वी स्क्वायर रो अपान में पी। ओके, वी स्क्वायर रो अपान में पी, तो रो का वी का हमारा, वी क्या हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन, एल टी माइनस वन होता है, तो स्क्वायर उसका एल टी माइनस टू होगा। ओके, इनटू में कर देंगे हम, रो हमारा क्या है, इसमें डेंसिटी है, डेंसिटी का क्या होता है वो डायमेंशन, डेंसिटी का डायमेंशन होता है एम एल माइनस थ्री। ओके, अपान में क्या हमारा, अपान में पी, अभी हमने निकाला था पी, पी क्या हमारा प्रेशर, प्रेशर का हमें पता है क्या होता है डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, डायमेंशन हमारा निकल के आएगा, तो हमारा डायमेंशन जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, देखिए डायमेंशन लेस होगा क्वांटिटी जो निकल के आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ द रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म ऑफ डायमेंशन ऑफ मास एम, लेंथ कैपिटल एल, टाइम कैपिटल टी एंड करंट आई आर। ओके, तो हमें इसमें क्या पूछा है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन, वैसे लर्न कर सकते हैं आप डायरेक्टली, या निकालना हो तो निकाल भी सकते हैं। तो निकालने के लिए हम देखिए बता रहे हैं, आर इक्वल टू होता है वी अपान आई। ओके, वी इक्वल टू होता है, वी इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई क्यू, पता होगा आप सब लोगों को डब्ल्यू बाई क्यू। तो चलिए फटाफट लिखते हैं, इक्वल टू वी के प्लेस में हम डब्ल्यू बाई क्यू करते हैं एंड आई, क्यू इक्वल टू होता है, क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू होता है आई इंटू टी, हमें पता होगा, पता रहना चाहिए छोटे छोटे फार्मूले, क्यू इक्वल टू आई टी होता है, तो कितना हो गया डब्ल्यू अपान आई टी आई। ओके, तो आई का हमें पता है डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन साइन ए ए हो गया एंड टी अपान में, ऊपर में क्या हो जाएगा वर्क का, वर्क का क्या होता है डायमेंशन पता है एम एल टू टी माइनस टू। ओके, टी माइनस टू, ये सारे डायमेंशन आप लर्न कर लीजिएगा डायरेक्टली भी एंड सॉल्व भी, फार्मूले से डायरेक्ट सॉल्व भी निकाल सकते हैं सॉल्व करके। तो ये हमारा आ गया, इसको पूरा जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा डायमेंशन, डायमेंशन हमारा आएगा फोर, ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थायराइड इज नॉट इक्वल इक्विवेलेंट टू। ओके, थायराइड इज नॉट इक्विवेलेंट टू, थायराइड क्या है, किसका यूनिक है, कैपेसिटर का, सी इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई वी, क्यू बाई वी होता है, इसको क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं सी इंटू वी इक्वल टू क्यू। ओके, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, और देखिए ये क्यू बाई वी लिख सकते हैं,
क्यू स्क्वायर बाई जी लिख सकते हैं, आई बाई वी स्क्वायर, एंड क्यू वी स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल। ओके तो ये हमारा राइट आंसर है, नॉट इक्विवेलेंट है फैराड के। ओके तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिक्स, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है, टाइम का, बी हमारा ऑप्शन है स्पीड, सी हमारा एंगल, डी हमारा कपूल एक मिनट, ये इसका लाइट ईयर क्या होता है, इसका यूनिट होता है डिस्टेंस का। ओके डिस्टेंस का यूनिट होता है लाइट ईयर, तो इसमें रॉन्ग है ऑप्शन, तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेवन, यूनिट ऑफ रिडक्शन फैक्टर, यूनिट ऑफ रिडक्शन फैक्टर इज, फर्स्ट ऑप्शन हमारा एम्पियर, बी हमारा ओम, सी टेस्ला, डी है वीबर, तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट जो है एम्पियर, रिडक्शन फैक्टर का यूनिट होता है एम्पियर, इसको याद रखेंगे जरूर से हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज, सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होता है, हमें पता होना चाहिए पहले, सरफेस टेंशन इक्वल टू होता है एफ बाई एल। ओके एफ बाई एल, एफ का हमारा डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एफ एल टी माइनस टू अपान में एल, एल से एल कैंसिल होगा तो हमारा क्या आएगा एम टी माइनस टू। ओके क्लियर है, इसका हमारा राइट ऑप्शन कौन सा, राइट ऑप्शन हमारा है फर्स्ट ऑप्शन एम टू एल टू टी माइनस टू, सेकेंड है एम एल जीरो टी, यहाँ पे मिस्टेक है, टी के पावर माइनस टू होगा, एंड सी है एम जीरो एल टी माइनस वन, डी हमारा एम टू एल टी माइनस वन, तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा, एम एल जीरो एल टी माइनस टू। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पास्कल सेकेंड हैज द डायमेंशन ऑफ, पास्कल सेकेंड किसका डायमेंशन है, पास्कल सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन हमारा फोर्स, बी ऑप्शन हमारा एनर्जी, सी है प्रेशर, डी है एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके तो इसमें भी कुछ इसमें कोई भी नहीं है, इसका आंसर होगा कोफिशिएंट वेलोसिटी, हमें ये पता होना चाहिए तभी हम सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को, कोफिशिएंट वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ओके इसका डायमेंशन जो होता है पास्कल सेकेंड किसका होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ओके नेक्स्ट सेशन हमारा जो होगा इसके आगे होगा, हम पूरा चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं चैप्टर से वो क्वेश्चन सारे सॉल्व करवा रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा इससे आगे। ओके तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।